अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपके सामने चंद नुस्खे लेकर आया हूँ कि मुंह की बदबू से किस तरह निजात पाएं। इसके लिए सात बेहतरीन नुस्खे दर्ज ज़ेल हैं। मुंह से बदबू का आना एक नापसंदीदा अमल है। इंसान अपने माहौल में बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है और लोगों को भी कराहियत का एहसास होता है। मुँह की बदबू कई तरीक़ों से ख़त्म की जा सकती है। ज़ेल में हम चंद देसी नुस्खे तहरीर कर रहे हैं जिन पर अमल करने से मुंह की बदबू यकीनन दूर की जा सकती है। आप भी अमल करें और लोगों को भी बताएं, आप भी अमल करके मुंह की बदबू से निजात हासिल कर सकते हैं। मुंह की बदबू यकीनन एक शर्मनाक बात होती है। आप चंद लोगों में बैठते होंगे, बातें करते होंगे, आपके मुंह से बदबू आती होगी, आप लोगों को भी बुरा लगता होगा। इसके लिए मैं चंद देसी नुस्खे लाया हूँ। इन नुस्खों को आप इस्तेमाल करें, यकीनन आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से आपकी मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। इलायची, छोटी इलायची यानी सब्ज इलायची और मलेठी चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। अनार, अगर मुंह से पानी आता हो, मुंह से बदबू आती हो तो अनार के खुश पिसे हुए छिलके आधा चम्मच लेकर पानी के साथ फाँक लें और छिलका उबालकर पानी से गरारे करें, मर्ज ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अदरक, अदरक एक चम्मच अर्क, अदरक एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर गरारे करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। ज़ीरा, ज़ीरे को भूनकर, ज़ीरे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह की बदबू के लिए। ज़ीरे को भूनकर सौंफ की तरह चबाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नाज़रीन, आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करें। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से आपकी मुंह की बदबू दूर होएगी। लोगों ने इन नुस्खों को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बेहतर नतायज से आगाह किया है हमको। आप लोग भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तुलसी, तुलसी के पत्ते मुंह की हर किस्म की बदबू का खात्मा कर देते हैं। इसके पत्ते चबाने से मुँह की बदबू जाती रहती है। लीमू, पानी में लीमू निचोड़कर दिन में दो तीन मरतबा गरारे करें, मुंह की हर किस्म की बदबू ख़त्म हो जाएगी। धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह की बदबू के लिए। धनिया, सस धनिया चबाने से मुंह से खुशबू आने लगती है, मुसलसल इस्तेमाल से बदबू का खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करें। इस नुस्खों से इस्तेमाल करने से आपकी बदबू यकीनन दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।